बड़ी खबर आई हमास की कैद से इसराइल के बंधकों को छुड़ाने और गाजा में युद्ध विराम से जुड़ी हुई। गाजा में चार दिन के युद्ध विराम पर सस्पेंस गहरा गया है। इसराइल की सरकार ने जानकारी दी कि सीज फायर वाली डील एक दिन टल सकती है क्योंकि हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर साइन नहीं किए और इस चक्कर में सीज फायर का समय एक दिन टल गया क्योंकि इसराइल ने साफ कर दिया कि जब तक हमास डील पर साइन नहीं करता तब तक सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक दिन पहले ही हमास ने खुद बयान जारी किया था और बताया था कि जंग के 48वें दिन ये डील पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा सीज फायर पर सस्पेंस गहरा गया क्योंकि इसराइल ने जानकारी दी कि सीज फायर वाली डील एक दिन टल सकती है और जिसकी वजह हमास है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर हमास की तरफ से साइन नहीं किए गए और इस चक्कर में जंग के 48वें दिन गाजा में सीज फायर नहीं हो पाया। इसराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर रात में ही बयान जारी कर दिया। इसमें बताया गया कि हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर साइन नहीं किया और इसकी वजह से सीज फायर और बंधकों की रिहाई 24 घंटे टल सकती है। यानी गाजा में जंग 48वें दिन भी नहीं रुकी क्योंकि सीज फायर नहीं हो पाया और जिस तरह की खबरें आई उन्होंने सीज फायर पर सस्पेंस बढ़ा दिया, क्योंकि इसराइल के मुताबिक हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर साइन ही नहीं किए। जबकि इसराइल सीज फायर के लिए माना ही इसलिए था क्योंकि उसे हमास की कैद से अपने बंधकों को छुड़ाना है। एक दिन पहले तक ऐसा लगा भी कि जंग के 48वें दिन चार दिन का युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसराइल ने बोल दिया कि युद्ध विराम में 24 घंटे का समय और लग सकता है। यूं कहें कि युद्ध विराम 24 घंटे टल गया क्योंकि हमास ने एक बार फिर पेच फंसा दिया। इसराइल की सरकार के सूत्रों ने तो ये तक खबर दी कि अगर जंग के 48वें दिन सीज फायर नहीं हुआ तो इसमें 24 घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि हमास बंधकों की रिहाई से जुड़े कई मुद्दों पर राजी नहीं हो रहा और इसी चक्कर में उसने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर साइन नहीं किया और इसकी वजह से गाजा के लोगों का युद्ध विराम का इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि इसराइल ने खुद बयान दिया कि उसे नहीं लगता कि जंग के 49वें दिन से पहले बंधकों की घर वापसी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो हमास एक दिन पहले कह रहा था कि जंग के 48वें दिन बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी और गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, उसी हमास की वजह से सीज फायर पर पेच फंस गया, क्योंकि इसराइल के मुताबिक हमास ने उसे अब तक उन 50 बंधकों की लिस्ट ही नहीं सौंपी है जिन्हें वो सीज फायर के दौरान रिहा करने वाला है और इसराइल तब तक युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक उसे उन 50 बंधकों की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। और हमास डील के कागजों पर खुद साइन नहीं करता, यानी इसराइल ने इशारों इशारों में संकेत दे दिए कि हमास बंधकों को छोड़ने में टालमटोल कर रहा है और इसीलिए इसराइल की सरकार ने खुलकर बोल दिया कि बिना डील के सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता। और इसी बात ने गाजा में सीज फायर पर सस्पेंस बढ़ा दिया क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेरिका और कतर ने कोशिश करके इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की डील करवाई थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही उस पर संकट मंडराता दिखा क्योंकि हमास ने उन 50 बंधकों की लिस्ट ही इसराइल को नहीं दी जिन्हें वो छोड़ने वाला। ये दावा इसराइल के कुछ अखबारों ने किया, जबकि एक दिन पहले इसराइल के मीडिया ने ही दावा किया था कि सीज फायर के चार दिनों में 50 बंधक छोड़े जाएंगे और इनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल होंगी, लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि इसराइल को उन 50 बंधकों की लिस्ट ही नहीं मिली क्योंकि हमास बंधकों को छोड़ने से जुड़े कागजों पर साइन करने में नानुकुर कर रहा है। इसराइल की सरकार के सूत्रों ने तो ये तक दावा किया कि इसराइल को हमास के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है और इसीलिए उसने अपनी सेना को अलर्ट रखा। यही नहीं, इसराइल की सरकार ने उनसे बोल दिया कि भले ही गाजा में सीज फायर की बात चल रही है लेकिन सेना को हथियारों के साथ अलर्ट रहना होगा क्योंकि हमास कभी भी पलट सकता है। ये दावा इसराइल के मीडिया ने किया और ये संकेत दे दिए कि इसराइल हमास पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि गाजा में सीज फायर के बावजूद इसराइल की सेना सावधान रहेगी और अपने हथियारों के साथ हर तरह के हालात के लिए तैयार रहेगी। खुद नेतन्याहू ने हमास से अंत तक लड़ते रहने की बात दोहराई। המלחמה נמשכת, אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. नेतन्याहू ने एक दिन पहले भी साफ कर दिया था कि हमास के खत्म होने तक जंग होती रहेगी, क्योंकि हमास को छोड़ने का मतलब है इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होना और इसीलिए उसने अपनी सेना से तैयार रहने के लिए कहा। यही नहीं, इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू ने इस बारे में बाइडेन से बात की
और उनसे बोल दिया कि सीजफायर के बाद जंग का स्तर बढ़ जाएगा। यानी युद्ध विराम खत्म होते ही इसराइल गाजा में पहले से ज्यादा हाहाकार मचा सकता है। ये दावा इसराइल के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। उन्होंने उनसे बोल दिया कि सीज फायर के बावजूद इसराइल का हमास से युद्ध जारी रहेगा और युद्ध विराम खत्म होते ही युद्ध का स्तर बढ़ जाएगा। मतलब ये कि चार दिन के सीज फायर के लिए तैयार हुए इसराइल ने खतरे की घंटी बजा दी है और बंधकों के मामले में डील कराने वाले अमेरिका को बता दिया कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा में कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल यह ऐलान कर चुका है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग हमास के अंत के बाद ही खत्म होगी। इसलिए दुनिया गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम को युद्ध का अंत समझने की गलती ना करे। इस बीच इसराइल के एक अखबार ने तो ये तक दावा किया कि सीज फायर का फाइनल खाका ही तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के 48वें दिन युद्ध विराम नहीं हुआ। यही नहीं, इसराइल के अखबार हारेज ने तो एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि हमास ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ को 50 बंधकों की लिस्ट दे दी है, लेकिन वो ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे क्योंकि हमास बंधकों की लिस्ट से जुड़ी डील पर साइन नहीं कर रहा। ऐसे में लिस्ट सार्वजनिक हुई तो बंधकों के परिवारों को उनकी वापसी की उम्मीद बन जाएगी और अगर किसी वजह से हमास ने उन्हें छोड़ने का मामला अटकाया तो बंधकों के परिवार की उम्मीद टूट सकती है, जिससे बंधकों की रिहाई के लिए गुस्से में दिख रही इसराइल की आम जनता और भड़क सकती है। और इसीलिए मोसाद चीफ ने 50 बंधकों की लिस्ट जारी नहीं की, जबकि इसराइल के मीडिया ने ही दावा किया था कि हमास बंधकों से जुड़ी लिस्ट इसराइल को नहीं सौंप रहा। यानी 50 बंधकों की लिस्ट पर इसराइल के मीडिया ने ही अलग अलग दावे कर दिए, क्योंकि इसराइल के मीडिया के एक धड़े ने कहा कि हमास ने इसराइल को बंधकों की लिस्ट ही नहीं सौंपी, तो वहीं इसराइल के ही एक अखबार हारेज ने दावा किया कि मोसाद चीफ के पास 50 बंधकों की लिस्ट है लेकिन वो उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे। उस अखबार ने तो ये तक दावा कर डाला कि मोसाद चीफ को ये लिस्ट उसी वक्त मिल गई थी जब वो कतर गए थे, क्योंकि कतर ने ही हमास से बात की थी और उसके बाद गाजा में 4 दिन के सीज फायर के बदले 50 बंधकों की रिहाई की डील पर सहमति बनी थी। लेकिन पेच तब फंसा जब खबर आई कि इसराइल की सरकार बंधकों की रिहाई से पहले वो लिस्ट जारी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमास कब पलट जाए कुछ भरोसा नहीं और इसी वजह से इसराइल ने तय किया कि वो हमास पर शिकंजा कसेगा और इसके लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को काम पर भी लगा दिया और उसे आदेश दिया कि वो दुनिया भर में छिपे हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। नेतन्याहू ने मोसाद को दिए इस आदेश की जानकारी खुद दी और बताया कि उन्होंने मोसाद को दुनिया भर में छिपे हमास के लड़ाकों को ढूंढने और उन्हें चुन चुन कर मारने का आदेश दिया। यानी इसराइल ने ऐलान कर दिया कि हमास के बड़े नेता या लड़ाके दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उन्हें ढूंढेगी और चुन चुन कर खत्म करेगी। नेतन्याहू ने यह ऐलान करके ये जता दिया कि भले ही वो सीज फायर के लिए मान गए हों, लेकिन वो हमास को माफ नहीं करेंगे और 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले की कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके नेताओं और लड़ाकों के पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में एक मोसाद है जो उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश करेगी और फिर चाहे वो कतर में हो, लेबनान में हो या फिर पश्चिम एशिया के किसी और देश में, क्योंकि इसराइल का कहना है कि हमास के बड़े नेता गाजा से भागकर लेबनान, कतर या फिर किसी और मुस्लिम देश में छिप गए और अब हमास के उन नेताओं को ढूंढने और मारने की जिम्मेदारी नेतन्याहू ने मोसाद को सौंप दी, क्योंकि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले भी ये काम कर चुकी है और एक बार फिर वो 1972 के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जैसा ऑपरेशन चला सकती है, क्योंकि मोसाद ने 1972 में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया था और जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक्स में शामिल होने गए इसराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया था, क्योंकि आतंकियों ने म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान इसराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसराइल की सरकार ने अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने का जिम्मा मोसाद को सौंपा था और मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाकर यूरोप से पश्चिम एशिया तक उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था और एक बार फिर मोसाद उसी राह पर चल सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था और हमास ने इसराइल के 1400 लोगों का नरसंहार कर दिया था और इसी का बदला लेने के लिए इसराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस गई और 1.5 महीने से हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रही है। लेकिन अब इस जंग में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एंट्री हो चुकी जो गाजा पट्टी से बाहर हमास के नेताओं को निशाना बनाएगी।
क्योंकि नेतन्याहू ने खुद मोसाद को ये जिम्मेदारी सौंपी, यानी इसराइल की सेना गाजा में लड़ेगी और उसकी खुफिया एजेंसी उन देशों में हमास के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाएगी जहां वो छिपे बैठे हैं। इन नेताओं में हमास चीफ इस्माइल हानिया भी शामिल, जो गाजा जंग के दौरान कतर में मौजूद था। यही नहीं, खबर है कि हमास के कई बड़े नेता लेबनान की राजधानी बेरूत में छिपे हैं और मोसाद इन देशों में घुसकर उन्हें मारने की तैयारी में, क्योंकि उसे इस काम में महारत हासिल है। यानी एक बार फिर वो हो सकता है जो 1972 के बाद हुआ था, क्योंकि तब भी मोसाद ने इजरायली खिलाड़ियों पर हुए हमले का खतरनाक अंदाज में बदला लिया था और इस बार भी वो उसी अंदाज में हमास के नेताओं को चुन चुन कर मार सकता है। क्योंकि हमास से जंग के बीच इसराइल पर कई कट्टरपंथी संगठनों ने निशाना साधा। हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों का नाम इनमें सबसे ऊपर है। यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों ने तो इसराइल का जहाज तक हाईजैक करने का दावा किया था और गाजा में सीज फायर की मांग की थी। लेकिन जैसे ही खबर आई कि इसराइल गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम कर सकता है, हूथी लड़ाके पलट गए। उन्होंने बयान दिया कि भले ही गाजा में 4 दिन तक सीज फायर हो, लेकिन इसराइल पर उनके हमले जारी रहेंगे, क्योंकि हूथी लड़ाकों का गाजा में सीज फायर से कुछ लेना देना ही नहीं है और इसीलिए वो इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हूथी लड़ाकों ने कह दिया कि गाजा में युद्ध विराम हो या ना हो, वो इसराइल से लड़ते रहेंगे और लाल सागर में इसराइल की मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाके, ये तीनों इसराइल की नाक में दम करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए इसराइल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इसराइल ने खुलकर बोल भी दिया कि वो गाजा में सीज फायर के लिए माना है, लेकिन वो जंग नहीं रोकेगा, क्योंकि हमास केवल गाजा में नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों में अच्छी खासी पकड़ रखता है और इसीलिए इसराइल की सेना और मोसाद दोनों मैदान में आ गए।